Micromax Airfunk 1 एंड Micromax Airfunk 1 Pro, Micromax के दो नए TWS earphones हैं जिन्हें Micromax ने इंडिया में आज ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर इन दोनों earphones की सारी डिटेल्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ ये भी बताऊंगा कि क्या ये earphones आप लोगों को परचेस करने चाहिए या नहीं। सो हे गाइज, मेरा नाम है ब्रिज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए पहले बात करते हैं Micromax Airfunk 1 के बारे में। Micromax Airfunk 1 Micromax के नए फुल इन ईयर स्टाइल डिजाइन वाले TWS earphones है, जहां पर 9mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए हैं Micromax ने। और ये चीज मुझे इन earphones की काफी अच्छी लगी, क्योंकि ये earphones इंडिया में आज 1300 रुपए की प्राइस पर लॉन्च हुए हैं, और उस प्राइस पर ज्यादातर earphones में हमें 6-7mm के ही ड्राइवर्स मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो 9mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए हैं Micromax ने, वो काफी अच्छे है। इस प्राइस रेंज में कुछ ही ईयरफोन्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, जहां पर 9-10mm के ड्राइवर हमें मिलते हैं, और यहां पर 9mm का ड्राइवर प्रोवाइड किया है Micromax ने, वो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इस ईयरफोन के अंदर Micromax ने एक नया यूनिक फीचर भी प्रोवाइड किया है। इस फीचर का नाम है वॉइस चेंजिंग फीचर। हाँ, आपने सही सुना, यहां पर हमें वॉइस चेंजिंग फीचर भी मिल जाता है। Micromax ने ऐसा कहा है कि अगर इस ईयरफोन को हम 3 सेकंड पर प्रेस करेंगे, 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो आपका वॉइस चेंज हो जाएगा कॉल करते समय। आपका वॉइस चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर आप लड़की हो तो आप लड़के के आवाज में बात कर पाएंगे, और अगर आप लड़के हो तो आप लोग लड़की के आवाज में बात कर पाएंगे कॉल करते समय। ये एक यूनिक फीचर है। अगर आपको किसी दोस्त को प्रैंक करना है तो ये फीचर आप लोगों के लिए एक काफी अच्छा फीचर बन सकता है। इस ईयरफोन में हमें ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है, यानी कि कनेक्टिविटी के मामले में ये ईयरफोन काफी अच्छे होने वाले हैं। और दोस्तों इस ईयरफोन के अंदर हमें IP44 की रेटिंग भी मिल जाएगी, यानी कि एक्सरसाइज करते समय आप इन्हें पहन भी पाएंगे और पसीने से ये ईयरफोन खराब भी नहीं होंगे। इन ईयरफोन्स के कुछ और फीचर्स की बात करें तो इन ईयरफोन्स में हमें 5 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है सिंगल चार्ज पे, और केस के साथ यहाँ पर 15 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और ये चीज भी मुझे इन ईयरफोन्स की काफी अच्छी लगी, क्योंकि जिस प्राइस पर ये ईयरफोन्स आते हैं उस प्राइस के हिसाब से इसकी बैटरी काफी अच्छी है। बैटरी बैकअप यहाँ पर काफी अच्छा प्रोवाइड किया है Micromax ने। और दोस्तों इस ईयरफोन के अंदर हमें मिलने वाला है टाइप सी का सपोर्ट, यानी कि आप इन्हें टाइप सी के साथ चार्जिंग भी कर पाएंगे, आपको माइक्रो यूएसबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इन ईयरफोन्स के अंदर लो लेटेंसी मिलने वाली है या नहीं, वो Micromax ने अभी भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, पिन कमेंट आप लोग देख लेना। इन ईयरफोन्स में हमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। इस प्राइस रेंज में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट नहीं ही मिलता, इसलिए ये फीचर भी यहां पर प्रोवाइड नहीं किया है Micromax ने। 1300 रुपए में ओवरऑल ये ईयरफोन एक अच्छा खासा ईयरफोन है। अगर यहाँ पर लो लेटेंसी मिल जाती है तो ये ईयरफोन एक अच्छा ईयरफोन बन सकता है। इनकी डिजाइन भी काफी अच्छी है, कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ Micromax के Airfunk 1 आते हैं। अगर यहाँ पर लो लेटेंसी का सपोर्ट नहीं मिलता, फिर भी ये ईयरफोन एक अच्छे खासे ईयरफोन बन सकते हैं। अगर आप लोगों को 1500 के अंदर कोई ईयरफोन चाहिए, TWS ईयरफोन चाहिए, तो ये ईयरफोन आप लोगों के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बात करते हैं अब Airfunk 1 Pro के बारे में। ये ईयरफोन्स भी Micromax के नए फुल इन ईयर स्टाइल डिजाइन वाले ही ईयरफोन्स है, जहां पर हमें 9mm के ड्राइवर्स नहीं मिलने वाले। इन ईयरफोन्स में हमें 13mm के ड्राइवर्स मिलने वाले हैं। हाँ, आपने सही सुना, यहां पर 13mm के ड्राइवर्स मिलने वाले हैं। और ये चीज मुझे इन ईयरफोन्स की सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि 13mm के ड्राइवर जिस प्राइस पर ये ईयरफोन लॉन्च हुए हैं उस प्राइस पर नहीं मिलते। ज्यादातर हमें 10-11mm के ही ड्राइवर्स इस प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, लेकिन Micromax ने यहाँ पर 13mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए हैं। उसके लिए Micromax को बिग थम्सअप, क्योंकि काफी अच्छा काम इन ईयरफोन्स के साथ किया है Micromax ने, क्योंकि यहाँ पर 13mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए हैं, और बड़े ड्राइवर्स होने की वजह से इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी इंप्रूव होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा बड़े ड्राइवर्स होंगे तो काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी होगी, नहीं, बड़े ड्राइवर्स होने की वजह से यहाँ पर साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बड़े ड्राइवर्स होने की वजह से इसकी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया होने वाली है। ओवरऑल एक अच्छी साउंड क्वालिटी यहाँ पर ये ईयरफोन्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े ड्राइवर्स होंगे तो इसीलिए साउंड क्वालिटी में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा, तो आप लोग सही भी है और गलत भी। कई बार बड़े ड्राइवर्स होने की वजह से साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास Realme Buzz Classic अवेलेबल है, जहां पर 14.2mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, और मेरे पास Realme Buzz 2 Neo भी है, जहां पर 11.6mm के ड्राइवर्स मिलते हैं।
हैं और 11.6mm के ड्राइवर्स जो वहां पर न्यू वर्जन में मिलते हैं वो काफी बेटर है रियलमी बस क्लासिक के कंपेयर में। इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बड़े ड्राइवर से, इसीलिए साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया होने वाली है, ओवरऑल अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। साउंड क्वालिटी इस ईयरफोन की कैसी है वो तो टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फीचर से अंदाजा लग जाता है कि इस ईयरफोन की साउंड क्वालिटी कैसी होने वाली है। इस ईयरफोन के कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, यानी कि कनेक्टिविटी के मामले में ये ईयरफोन्स एयरफंक 1 के कंपेयर में अच्छे होने वाले हैं। इन ईयरफोन्स की बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 7 आवर्स यानी कि 7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है सिंगल चार्ज पे, और केस के साथ यहाँ पर हमें 32 आवर्स यानी कि 32 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, और ये चीज इन ईयरफोन्स की काफी अच्छी है। काफी बड़ा बैटरी बैकअप यानी कि प्लेबैक टाइम, काफी ज्यादा प्लेबैक टाइम यहाँ पर हमें मिल जाता है। इन ईयरफोन्स में हमें ENC यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन का भी सपोर्ट मिलने वाला है, जिसकी वजह से कॉल करते समय या फिर काम करते समय बाहर की आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। और दोस्तों माइक्रोमैक्स ने इस ईयरफोन के अंदर कॉलकॉम का QCC3040 प्रोसेसर यूज किया है, और इस प्रोसेसर के होने की वजह से यहाँ पर ओवरऑल साउंड क्वालिटी में सभी फीचर्स के मामले में ये ईयरफोन्स काफी अच्छा होने वाला है। काफी अच्छा आउटपुट इन ईयरफोन्स के अंदर हमें मिल जाएगा। इन ईयरफोन्स के अंदर भी IP44 की रेटिंग मिल जाएगी, जिसकी वजह से इन ईयरफोन्स को भी आप लोग एक्सरसाइज करते समय पहन पाएंगे। एयरफंक 1 ईयरफोन के अंदर मैं आपको बताना भूल गया था कि वहां पर हमें टच कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं। यहां पर एयरफंक 1 प्रो में भी हमें टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बात करते हैं एयरफंक 1 प्रो की प्राइस के बारे में, तो इनकी प्राइस है ₹2,499, और इस प्राइस पर ये ईयरफोन्स एक काफी अच्छे ईयरफोन्स है। अगर आप लोग 3,000 से कम की प्राइस पर कोई ईयरफोन देखना चाहते हो तो ये ईयरफोन आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एयरफंक 1 प्रो में भी हमें लो लेटेंसी कितनी मिलने वाली है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा जैसे मुझे पता चलेगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में कि मुझे ये दोनों ईयरफोन्स कैसे लगे। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये दोनों ईयरफोन्स अच्छे खासे ईयरफोन्स है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से एयरफंक 1 ईयरफोन्स मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगे एयरफंक 1 प्रो के कंपेयर में। एयरफंक 1 प्रो भी एक काफी अच्छे ईयरफोन्स है, वो बुरे ईयरफोन्स नहीं है, लेकिन इन दोनों ईयरफोन्स में अगर हमें लो लेटेंसी का सपोर्ट मिल जाता है तो ये दोनों ईयरफोन्स काफी अच्छे ईयरफोन्स बन जाएंगे, क्योंकि गेमर्स के लिए काफी अच्छा होगा। इसीलिए ये था मेरा वीडियो एयरफंक 1 एंड एयरफंक 1 प्रो के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।